अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पापा, वो देवी कुमार ना वैसे भी हाथ धोकर पीछे पड़ी ध्रुव की, अगर हम उसके पीछे पड़ जाएंगे ना तो कहीं वो चिढ़ के कोई कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे, बस ये बोलना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, हम एक ही दिशा में तो नहीं चल सकते ना, हमें चारों तरफ हाथ पैर मार के चलना पड़ेगा। हाँ, सही बोल लिया। अभिषेक बा, हमारी परफेक्ट बहुरानी बिल्कुल परफेक्ट बोल रही है। औरतन का जमाना है, करने दीजिए। या आपका चेहरा उड़ा उड़ा सा क्यों हुआ? बाबा, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर एकदम दिमाग भन्नाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब तफ्तीश होती है अभिषेक बा, तो चारों तरफ से देखा जाता है, चारों तरफ से, कोई भी सुराग छूटने ना पाए। ये जो कह रही हैं, पूरे परिवार को बढ़ चढ़ के इनका साथ देना चाहिए। आप बताइए कि आगे आपने क्या सोचा है, इनका हम किस तरह से अंजाम दें? पापा, हम देवी कुमार के घर में जाकर तलाशी लेना चाहते हैं। हमें यकीन है कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हम जानते हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसीलिए आपकी मदद मांग रहे हैं। आप उनका ध्यान भटकाकर उन्हें घर से दूर रखिएगा, तब तक हम जाकर कुछ ढूंढ निकालेंगे। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा पापा, हमें पूरा यकीन है। ठीक है, करता हूं। थैंक यू पापा, आज तो हम देवी कुमार का राज जानकर ही रहेंगे। आशीर्वाद दीजिए माता रानी कि आज हम कामयाब होकर ही लौटे, झूठ को हराकर, सच को जिताकर वापस आए। ये लड़ाई सिर्फ ध्रुव जी की नहीं है, इस पूरे परिवार की है, और अगर हम साथ में लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। क्या आप सब हमारा साथ देंगे? शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम तुम्हारे साथ हैं। अभिषेक बा। हाँ हाँ, हम भी हैं, हम साथ में हैं। हम सब आपके साथ हैं धानी बचवा। लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम इतनी बेवकूफियां क्यों कर रही हो, हैं? अपना आपा क्यों खो रही हो तुम? क्योंकि हमें ध्रुव जी को पाना है, और ये सब नाटक ना हम बस उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हाँ तो सबर करो ना, सबर करो। अरे होश से काम लो ना, जैसे उस रात लिया था तुमने, ध्रुव को फोन करके बुलाया था। और ध्रुव तुम्हें मिलने आया भी था, इससे ये साफ जाहिर होता है कि
कि वो अभी भी फिक्र करता है तुम्हारी। इसलिए उस जगह पूरा नाटक किया और वीडियो बनाया। छोड़ो इसे, पागल हो गई हो क्या तुम? हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमारे और थाने के बीच में कभी नहीं आ पाओगी, और कभी आने की कोशिश की भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद जब ध्रुव वहां से गया तब हमने तुमसे कहा था कि उसका पीछा मत करना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी और तुम्हारी वही जिद के कारण आज पूरा खेल बिगड़ गया। अगर उस रात तुम हमारी बात मान लेती तो आज ध्रुव को बेल नहीं मिलती। अब कहना क्या चाह रही है हाँ? सारी गलती हमारी है, अपनी हार का इल्जाम हम पर मत लगाइए। बकवास बंद करो अपने, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गलती तुम्हारी है, वरना हमारा प्लान तो फुल प्रूफ था। ध्रुव को फंसाकर उसकी जिंदगी को बचाने के बहाने से हम धानी पर प्रेशर डालते कि वो उसे छोड़ दे, इससे पांडे परिवार तो बिखर ही जाता और तुम्हें अपना ध्रुव मिल जाता। लेकिन हम क्या करते, हम अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि तुम बेवकूफ हो, एक नंबर की बेवकूफ औरत हो और कमजोर भी हो, और इसीलिए हमने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि हम तुम्हारी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि सच जाने के बाद तुम फिर बेवकूफियां करोगे। आज के बाद जब तक हम ना कहें तुम कुछ नहीं करोगी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगी। आई बात समझ में? ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। सालों से इस परिवार को चलाकर राख करने का सपना देख रहे थे हम, आज बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा है। तुम्हारी बेवकूफी के कारण हम इसे जाया होने नहीं देंगे। अगर हमारे मकसद के बीच तुम आई ना सृष्टि, तो सबसे पहले इस आग में तुम जलोगी। अब चिंता मत कीजिए, हमने कहा ना अब हम कुछ नहीं करेंगे। भगवान कसम, हमारा दिमाग तो है ना एकदम ज्वालामुखी की तरह फटा जा रहा है तुम्हारी हरकतों से। हेलो इंस्पेक्टर देवी कुमार जी, काशीनाथ पांडे बोल रहे हैं। हाँ पांडे जी बोलिए, कैसे याद किया इतनी रात को? ये कमबख्त जरूरत ऐसी चीज है ना, ये इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। देवी पापा से मिलने जा चुकी है, घर पे कोई नहीं होगा, यही मौका उसका घर की तलाशी लेने का।
देवी कुमार जी, राम राम। कौन है देवी कुमार जी? निहत्ता हूं, कुछ नहीं है। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, मेरे पास कोई माइक या रिकॉर्डिंग नहीं है, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। आप जहां कहें आपके साथ हम चलने को तैयार हैं। थोड़ा सा वक्त आपका चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या बिगाड़ा है हमने आपका, क्या दुश्मनी है, बस ये जानना चाहते हैं। यूं समझ लीजिए देवी कुमार जी, पुत्र मोह हमें यहां पर ले आया है और हम अपने बेटे को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सारी सीमाएं लांघ सकते हैं। पांडे जी, हम आपके परिवार के पीछे नहीं पड़े हैं, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, इसलिए आपसे और आपके परिवार से यह निवेदन है कि कृपया आप हमें अपना काम करने दें और ये इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से पूरी हो जाए। मैंने जो भी करो जल्दी करो, हमें ऐसा लगता घर में पहले से कोई है। कौन हो सकता है? हम नहीं जानते, हमें आवाज आती ग्लास टूटने के बाद। हमें देखना नहीं चाहिए कि कौन है। चलो एक सेकंड, कहानी अगर हम बाहर किसी को ढूंढने जा रहे हैं तो इतना याद रखना कि सामने वाला भी हमें देख सकता है। तो जो भी करो सोच समझ कर करना, ठीक है? हमें कुछ सोचना होगा। वे ध्रुव जी और तानी यहां, इन दोनों ने हमें यहां पे देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। ये लाइट्स क्यों बंद हो गई? ये ध्रुव जी, रिलैक्स, पैनिक मत करो, शायद पावर कट होगा, पूरे एरिया में लाइट गई होगी, ठीक है? ये दोनों यहाँ पे क्या करने आए हैं? नजर रखते हैं इन पर। हमारा पुरखा वहां है। We'll be right back.
पता नहीं क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से जल्द। कुछ नहीं, बस कुछ लगा। हमें किसी भी तरह देवी को बताना होगा कि ध्रुव जी और धानी उनके घर में है। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है देवी कुमार जी, हम कैसे कन्विंस करें आपको? आप खुल के बोलिए ना, क्या चाहते हो? पैसा, बदला, माफी? अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो हमसे, हमारे परिवार वाले सब सब सही कर देंगे। हम आपसे सच कह रहे हैं, आपको वचन देते हैं, अब बोलिए तो। देवी कुमार जी, कोई नहीं आस पास, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं, आप खुल के बोल सकती हैं। बताइए ना देवी कुमार जी, क्या बात है? और हम दोनों जानते हैं कि हमारे ध्रुव बचवा ने वो खून नहीं किया है, वो खून कर ही नहीं सकता, तो फिर आप उसके पीछे क्यों लगी? आप हमारे परिवार के पीछे क्यों लगी हैं? जितनी जिंदगी हमने देखी है देवी कुमार जी, उस तजुर्बे के तहत आपका चेहरा देखकर हम आपको बता सकते हैं कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। हम आपसे फिर से हाथ जोड़ के पुत्र मोह की खातिर कि बता दीजिए क्या बात है, बस वही हम जानना चाहते हैं कि बात क्या है। सृष्टि बोल रहे। बोलो। ध्रुव और धानी आपके घर में ही है, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आइएगा। कर दिया ना कांड। रुको, अब हम बताते हैं कि हम चीज क्या है। बहुत गलत किया है आप लोगों ने पांडे जी, अभी तक तो सिर्फ आपका बेटा ही जेल में सड़ रहा था, आज के बाद आपकी बहू भी सड़ेगी।